नमस्कार। लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए जिद होनी चाहिए, और जिद कैसी होनी चाहिए? जिद ऐसी होनी चाहिए, बाड़मेर के कान्हाराम मेघवाल जी ने, इन्होंने अपने अंदर एक ऐसी जिद पैदा की ना, उस जिद से इन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। कहता हां, विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, तो जिद पैदा करो अपने अंदर। और वही जिद, वही बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने बाड़मेर के कान्हाराम जी मेघवाल हैं। इनके पिता खेती करते थे, ये छह भाई बहनों में अकेले इकलौते भाई हैं। इनके पिताजी ने इनको पाई पाई जोड़कर इनको पढ़ाया। ट्वेल्थ में इनके सिर्फ 48% बने, लेकिन इनको जिद थी कि मुझे कुछ करना है। 2007 में इन्होंने बीएड की और 2010 में थर्ड ग्रेड टीचर लगे। इनकी जिद थी कि इनको प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, और जिद ऐसी थी कि जब तक मैं कुछ बनकर नहीं दिखाऊंगा, तब तक मैं किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में ना तो जाऊंगा और ना आऊंगा। यह उनकी जिद थी, और 12 साल तक ना किसी वो सामाजिक कार्यक्रम में गए और ना किसी प्रोग्राम में भाग लिया। और अभी 2022 में एससी वर्ग में राजस्थान में टॉप नंबर लाए, टॉप नंबर, नंबर वन की पोजीशन पर आए। वो संस्कृत के प्रोफेसर बने। तो जिद हो तो ऐसी जिद होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य आपको पाकर रहेगा, बस वो जिद होनी चाहिए। 2010 में ये थर्ड ग्रेड टीचर थे, और वहां पर इन्होंने ऐसी जिद पैदा की कि मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनना है। 12 साल तक वो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं गए, और 5 घंटे रेगुलर पढ़ते रहे, चाहे सर्दी आंधी बरसात में 5 घंटे उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की। और 2022 में जब रिजल्ट आया तो पूरे राजस्थान में एससी वर्ग में वो नंबर वन की पोजिशन पर आए और असिस्टेंट प्रोफेसर बने संस्कृत में। तो यह होती है जीत, कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की। अगर आपके मन में भी जिद है अपने लक्ष्य के प्रति पाने के लिए, तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाओगे। बिना त्यागे, बिना मेहनत किए आप अपना लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ करना है तो अपने अंदर जुनून पैदा करें, जिद पैदा करें। कान्हाराम जी मेघवाल जैसी जिद पैदा करें कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और जब तक मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, मैं लोगों की अपनी शक्ल नहीं बताऊंगा। आप अपने अंदर जिद पैदा करो, और वही जिद आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, और एक दिन आप कुछ कर दिखा पाओगे।